भारत में औसत चना उत्पादन है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। इसके प्रमुख कारण है कि एक तो ये बारानी दशाओं में उगाया जाता है जहाँ पे मृदा नमी की कमी से प्रतिवर्ष फसल जूझती रहती है। इसके अतिरिक्त खरपतवार और कीट और रोगों का प्रकोप, इनके कारण हमारी जो औसत उत्पादकता है वो काफ़ी कम रहती है। अतः आवश्यक है कि सही तरीके से मृदा नमी का प्रबंधन किया जाए, खरपतवारों को नियंत्रित रखा जाए तो चने का उत्पादन हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः तो उत्तरी भारतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे चने की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई है, तो ऐसे समय में ध्यान रखें क्योंकि चना कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसल है और जो रबी के खरपतवार हैं वो चने से भी अधिक ऊँचाई तक बढ़ जाते हैं और फसल को ढक लेते हैं। तो खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण हो, जो पहली खरपतवार की निराई गुड़ाई है वो 30 दिन की अवस्था से पूर्व कर लें और दूसरी जब फसल 50-55 दिन या 60 दिन की अवस्था में पहुंच जाए तब करें। खरपतवार नाशी दवाओं की बजाय यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं या कसोले की सहायता से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसका एक फायदा तो यह है कि खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं, मृदा की जो ऊपरी परत है वो टूटने से मृदा नमी संरक्षण होता है। साथ ही दलहन वर्गीय फसलों में जड़ों में गांठों में उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो भी पाया जाता है और मृदा में वायु संचार बढ़ने से उस जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है जिससे अधिक गहराई से मृदा नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इसके अलावा यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ही है तो जब फसल 20-25 दिन के आसपास की या 1 महीने की अवस्था से थोड़ी कम हो उस समय इमेजता पायर नाम का जो खरपतवार नाशी आता है उसका 80 से 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से अगर छिड़काव करते हैं तो भी आप खरपतवारों का प्रकोप फसल में कम कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था की हो जाए यानी कि फूल आने की पूर्व की अवस्था में एक सिंचाई अवश्य कर दें और ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद सिंचाई नहीं करनी है। जैसे ही फूल बन जाते हैं उसके बाद सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो फूल झड़ने की समस्या का भी कई बार देखने में आता है। अगर दूसरी सिंचाई मौजूद है तो वो जब फसल 70-80 दिन के आसपास की हो जाए यानी कि जब दाने बनना शुरू हो जाएं, फलियां बनना शुरू हो जाएं तब एक सिंचाई कर दें। सामान्यतः चने में पोषक तत्वों का उपयोग शुरुआती अवस्था में ही कर देते हैं, बुआई से पूर्व ही कर देते हैं, परंतु ध्यान रखें अगर आपके खेतों में जिंक या गंधक की कमी है तो अभी इस अवस्था में भी यानी कि फूल बनने से पूर्व के अवस्था में भी यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं तो गंधक और जो जिंक है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। खड़ी फसल में जो जिंक सल्फेट है या गंधक आप देना चाहें तो 0.5% का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए करें। और एक चीज और ध्यान रखें क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है तो तापमान यदि 0 के आसपास आए तो पाला पड़ने की लगातार संभावना बनी रहती है। विशेषकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है वहाँ शाम के समय यदि हवा नहीं चल रही है, मौसम शांत है और तापमान 0 के नजदीक है तो संभावना है कि पाला पड़ सकता है। अगर संभव हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अगर आपका खेत बारानी अवस्थाओं में आपने खेती कर रखी है तो मृदा नमी संरक्षण के लिए चिंग जो मैंने बताया पलवार जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनका आवरण बना के रखें उससे भी, या आप हमारे खेत में भी देख सकते हैं हमने पूर्व फसल की कटाई ही थोड़ी ऊपर से करी है जिससे कि जो पूर्व फसल के अवशेष हैं वो फसल में लगातार बने रहेंगे। तो इस तरह से अगर पाले को समुचित तरीके से आपने नियंत्रित कर लिया, सही पोषक तत्व और जो खरपतवार प्रबंधन, मृदा नमी संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको चने का अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी फसल लहलहाती पैदा होगी।